हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज आशीष यादव। सो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ प्रॉब्लम्स को लेके जो हर ट्रेडर के साथ होती है, या मार्केट में पुराने हैं या नए हैं। ठीक है, बहुत बार ये सुनने में आता है, या आप लोग बहुत बार ये देखते हो मार्केट में कि जिस स्टॉक्स में मैं काम करता हूँ या जिस स्टॉक्स को मैं बाय करता हूँ वो स्टॉक्स डाउन चला जाता है। ठीक है, और बाकी स्टॉक अच्छा परफॉर्मेंस करते रहते हैं। ठीक है, ये ऐसा लोग मानते हैं। ठीक है, या आप भी ऐसा, बहुत बार आपके साथ भी ऐसा होता है। ठीक है, जिसमें मैं काम करूंगा वही स्टॉक का स्टॉप लॉस जाता है, बाकी स्टॉक अच्छे परफॉर्मेंस करते हैं। इवन आपने सब कुछ सीखा हुआ है, आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में पता है, आप इंडिकेटर्स भी यूज़ करते हो, आपका एक बढ़िया सा सेटअप है जिसकी एक्यूरेसी भी अच्छी है। ठीक है, और आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स आपके पास हैं, आप टेक्निकल्स यूज़ करते हो, सारी चीज़ें आप यूज़ करते हो, उसके बाद भी आपका स्टॉप लॉस जा रहा है। ठीक है, या ऐसा होता है कि जिस स्टॉक्स में मैं ट्रेड कर रहा हूँ उसी स्टॉक का स्टॉप लॉस जाता है। बहुत बार ऐसा देखने में आता है कि आपके ने सेम सेटअप दो स्टॉक्स पर अलग अलग अप्लाई किया। ठीक है, लाइक जैसे आपने ए स्टॉक लिया और एक बी स्टॉक लिया, आपने सेम सेटअप दोनों स्टॉक्स पर अप्लाई किया जो आप जनरली जो स्ट्रेटजी आप अप्लाई करते हो, और उसमें से आपने एक स्टॉक ए को चूज़ किया बाय करने के लिए। ठीक है, आपने बी को हटा दिया, आपने बी बाय नहीं किया। ठीक है, वो तो होता क्या है, आपका सेम सेटअप बी स्टॉक्स पे काम करता है और एक स्टॉक्स ए स्टॉक्स पे काम नहीं करता। ठीक है, तो जनरली हम लोग ये सोचते हैं कि जिस स्टॉक्स में मैं काम करूंगा उस स्टॉक का स्टॉप लॉस जाता है, और सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट मेरे लिए नहीं है या मेरी यहाँ पर किस्मत खराब है, मुझे यहाँ पर प्रॉफिट नहीं होने वाला। दैट इज़ रॉन्ग, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपका जो भी सेटअप है, जो भी आपकी स्ट्रेटजी है, जो भी आपका इंडिकेटर्स है, वो सारे इंडिकेटर्स, सारी स्टडी, सब कुछ काम करती है। ठीक है, अगर ऐसा होता है कि वो स्टडी काम नहीं कर रही है तो दूसरे स्टॉक्स पर भी वो काम नहीं करने चाहिए, बट उस स्टॉक्स पर वो काम कर रही है और आप जिस स्टॉक्स को बाय कर रहे हो उस पर वो काम नहीं किया। दैट इज द रीजन, प्रॉब्लम आपकी स्टडी में नहीं है, प्रॉब्लम्स आपके स्टॉक सिलेक्शन को प्रोसेस में, स्टॉक सिलेक्शन में आपका प्रॉब्लम है। सो हम लोग यही यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं, इसी को हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि हमें स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करना जिससे हमारी प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। अगर सेम थिंग्स आपके साथ ऐसा हो रहा है, ठीक है, आप ट्रेडिंग में लॉस बना रहे हैं, आपका लॉस हो रहा है, सो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपकी प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी अगर आप इस सेटअप, इस चीज़ को आप अप्लाई करोगे आपके ट्रेडिंग स्टडी के साथ। देन आई एम श्योर कि जो भी आपके लॉसेस यहाँ पे हो रहे हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे और आपके प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल्स, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल भी आपको दिखाने वाला हूँ स्टॉक सिलेक्शन को लेके, और कुछ स्टॉक्स के बारे में भी हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, मार्केट में लॉसेस हो रहे हैं, ठीक है, आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, आपका स्टडी अच्छा है, आपने बहुत सारे कोर्स लेके सीखा हुआ है, फिर भी आप मार्केट में प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज़ द ओनली रीज़न कि आपका स्टॉक सिलेक्शन नहीं हो रहा है, आपका स्टॉक सिलेक्शन के साथ प्रॉब्लम है। ठीक है, सो वो प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पर कुछ हद तक यहाँ पर दूर करने वाले हैं। ठीक है, चलो सो अभी स्टार्ट करते हैं। ओके, सो जनरली हम लोग करते क्या है, एक कोई सेटअप से ले लेते हैं। ठीक है, बाकी जो भी आप सेटअप यूज़ करते हो, कोई भी पैटर्न्स आपका, जो भी सेटअप हो, RSI, MACD, जो भी कुछ आप यूज़ करते हो, दैट इज अदर थिंग्स, बट हम लोग यहाँ पर एक पर्सनली एक सेटअप देख लेते हैं। इसको जस्ट आप लोग भी यूज़ करते होंगे, बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं 50 SMA। ठीक है, पहले हम लोग इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ठीक है, 50 SMA होता क्या है। सो जनरल 50 SMA का रूल क्या होता है कि आपका, सॉरी, बहुत बार क्या होता है, हम स्टॉक्स आता है इसके पास, यहाँ पे ड्रॉप मान लो वहाँ से डाउन हो रहा है और यहाँ पे आके सपोर्ट लेकर चला जाता है, फिर जाता है ऊपर, फिर आता तो यहाँ पे सपोर्ट लेकर चला जाता है। ठीक है, सो हम लोग ऐसा 50 SMA का ऐसा सपोर्ट के रूप में यहाँ पर यूज़ करेंगे, और यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स अलग अलग स्टॉक्स में एग्जाम्पल देखेंगे कि ये आपके स्टॉक कौन से स्टॉक्स पर ये चलता है, कौन से स्टॉक्स पर ये नहीं चलता है। ठीक है, सो एक्चुअल प्रॉब्लम हमें यहाँ पर समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलो सो अभी हम लोग सबसे पहले एक नोट पैड भी यहाँ पर हम लोग रख लेंगे। ठीक है, ओके, जिससे कि हम यहाँ पर नोट कर सकें कुछ चीज़। चलो सो मैं यहाँ पे कुछ स्टॉक्स लेने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले जैसे कि मैं यहाँ पे मूविंग एवरेज डाल दे रहा हूँ। ठीक है, एवरेज मैंने डाला और सिंपल 50 SMA इसको मैं अप्लाई कर दे रहा हूँ। ठीक है, और अब यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, चलो सो अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये एक स्टॉक है HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। ठीक है, आप देखोगे प्राइस ऊपर गया, ड्रॉप आया और ब्यूटीफुली आपको 50 SMA को टच करके प्राइस आपका यहाँ पे ऊपर चला जा रहा है। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, फर्स्ट स्टॉक आपका HAL है और इसमें क्या हो रहा है, ये आपका रिस्पेक्ट कर रहा है, रिस्पेक्ट 50 SMA। ठीक
क्लियर। अब एक दूसरा स्टॉक्स कोई ले लेते हैं, ठीक है, लाइक ITC ले लेते हैं। हम लोग लास्ट देखेंगे, सिर्फ लास्ट बार लास्ट टाइम पे एक्सेप्ट किया या नहीं किया, ठीक है। एक हम लोग ITC यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। ITC आप देखोगे लास्ट टाइम में जो लास्ट 50 SM है वो क्या इसको रिस्पेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। वहाँ से प्राइस ड्रॉप आया और वहाँ पर चला गया, ठीक है। सो हम लोग इसको भी नोट कर लेंगे ITC, ये भी आपका रिस्पेक्ट 50 SM। और स्टॉक देख लेते हैं, ठीक है, लाइक NTPC, ठीक है। NTPC भी आप अगर देखोगे जो लास्ट टाइम जो है वो आपका ड्रॉप आया, रिस्पेक्ट करके प्राइस आपका ऊपर चला गया, ठीक है। सो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तीसरा स्टॉक आपका है NTPC और इसमें लिख देते हैं रिस्पेक्ट 50 SMA, ठीक है। चलो आप कुछ और स्टॉक देख लेते हैं, दैट इज़ अ ZEAL, ठीक है। ZEAL में ड्रॉप आया, यहाँ से ड्रॉप आया बट इसको रिस्पेक्ट नहीं किया और प्राइस आपका नीचे आ गया। सो इसको लिख लेते एक बार, ZEAL नॉट रिस्पेक्ट, क्लियर। कोई और स्टॉक एक बार देख लेते हैं, जैसे कि BPCL, BPCL, ओके। सो यहाँ पे मैं BPCL का चार्ट ओपन कर दे रहा हूँ। BPCL हम लोग यहाँ पे देखेंगे, सो प्राइस आपका 50 SMA के ऊपर गया और ड्रॉप आया बट यहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं किया और वापस से नीचे आ गया, ठीक है। सो इसमें लिख लेंगे BPCL नॉट रिस्पेक्ट। और कोई स्टॉक देख लेते हैं, लाइक एक्सिस बैंक, एक स्टॉक बैंकिंग सेक्टर का भी ले लेंगे। हमने यहाँ पे सारे स्टॉक जो है अलग अलग सेक्टर से यहाँ पे लिए हुए हैं, ठीक है। एक हम लोग एक्सिस बैंक का भी एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। एक्सिस बैंक में भी आप अगर देखोगे प्राइस लास्ट टाइम 50 SMA को रिस्पेक्ट नहीं किया और वहाँ से ड्रॉप आ गया, ठीक है। चलो ये भी नॉट रिस्पेक्ट। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है, ठीक है, कि आपका इन तीन स्टॉक्स में तो ये आपका एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, और ये तीन स्टॉक में आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ये बात नहीं बोल सकते कि 50 SMA काम नहीं करता है, बिकॉज आपको मैंने यहाँ पर 6 स्टॉक्स लिए, उनमें से 3 स्टॉक्स में ये वर्क कर रहा है और 3 स्टॉक्स में ये उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये काम नहीं करता है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर ये समझना है कि इन तीन स्टॉक्स में ये रिस्पेक्ट क्यों नहीं कर रहा 50 SMA को, और इन तीन स्टॉक्स में 50 SMA को रिस्पेक्ट क्यों कर रहा है, दैट इज़ द मेन थिंग्स, ठीक है। ये आपका यहाँ पर ये दोनों चीज़ें हमें यहाँ पर समझनी है, ठीक है। सो यहाँ पर ज़रा आप देखिएगा HAL को, फर्स्ट स्टॉक में देखता हूँ HAL, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिएगा HAL और HAL में रिस्पेक्ट किया और आपका ZEAL में रिस्पेक्ट नहीं किया। मैं आपको दोनों चार्ट यहाँ पर बराबर साइड से ओपन कर दे रहा हूँ, एक आपका HAL और एक आपका यहाँ पे हो जाएगा ZEAL का, मैं चार्ट यहाँ पे ओपन कर दे रहा हूँ, ठीक है, ZEAL का भी यहाँ ये चार्ट। अब यहाँ पे देखते हैं इन दोनों चार्ट में प्रॉब्लम्स क्या है, कि आपका एक चार्ट में अप्लाई किया वहाँ पे इसने रिस्पेक्ट किया और दूसरे चार्ट में आपका ये रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। इस पर भी हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, क्लियर। सिंपल मूविंग एवरेज आपका 50 SMA का, क्लियर। सो अभी हम लोग यहाँ पे ये आपका फर्स्ट चार्ट है, दैट इज़ अ ZEAL, और ये आपका, सॉरी इसको मैं चार्ट लिंकिंग कर दे रहा हूँ, चार्ट लिंकिंग बाय नन, ठीक है। और आपका ये हो गया HAL का। सो अभी यहाँ पे देखिएगा आप, HAL एक स्टॉक्स है और एक आपका ZEAL स्टॉक है, ठीक है। यहाँ पे इसने रिस्पेक्ट नहीं किया और इसने यहाँ पर रिस्पेक्ट किया, ठीक है। सो जरा सोचिएगा एक मिनट, ठीक है, और उसके बाद आंसर देने का ट्राई करिएगा, या आप खुद अपना जो भी आंसर है आप उसको लिख लीजिएगा कि यहाँ पर क्या रीजंस हो सकता है कि यहाँ पर इसको ये रिस्पेक्ट किया और यहाँ पर ये रिस्पेक्ट नहीं किया, ठीक है। चल ठीक है, ओके। सो आई होप आंसर आपके पास होगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक, इन दोनों स्टॉक में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये ZEAL मीडिया सेक्टर का है, ये HAL सेक्टर, HAL आपका एरोनॉटिक सेक्टर उसका सेक्टर्स का है, ठीक है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मैं इन दोनों स्टॉक्स में सिर्फ एक डिफरेंस दिख रहा है मुझे, वो भी टेक्निकल्स के रूप में, कि जब प्राइस आपका यहाँ पर टच कर रहा है, ठीक है, जब प्राइस आपका यहाँ पर टच कर रहा है, यहाँ पर भी टच कर रहा है, यहाँ पर भी टच कर रहा है, उस टाइम पर आप ये देखिएगा कि प्राइस आपका ड्रॉप कहाँ से हो रहा है। क्या ZEAL 52 वीक हाई से ड्रॉप हो रहा है? क्या 52 वीक हाई से ZEAL गिर रहा है? नहीं,
52 वीक हाई से डील नहीं ड्रॉप हो रहा है। क्या HAL 52 वीक हाई से ड्रॉप हुआ है? ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे HAL जो है आपका वो 52 वीक हाई से ड्रॉप हुआ है। यहाँ से इसका 52 वीक हाई है, उसके बाद ड्रॉप किया, देन इसने इसको रिस्पेक्ट किया और प्राइस आपका ऊपर चला गया। बट रीजन बिंग जील में क्या है, प्राइस आपका नॉट ड्रॉपिंग फ्रॉम 52 वीक हाई। सो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, उस सेटअप उस स्ट्रेटजी के चलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं उस स्टॉक में जो स्टॉक्स 52 वीक हाई से ड्रॉप होता है। मैं वापस बोल रहा हूँ, कोई भी सेटअप्स, कोई भी इंडिकेटर्स, कोई भी स्ट्रेटजी उस स्टॉक्स पे लागू होती है, उस स्टॉक में उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है रिस्पेक्ट करने का, अगर वो स्टॉक्स आपका 52 वीक से ड्रॉप हो रहा हो। क्लियर? अब यहाँ पर देख लेते हैं कि जील को थोड़ा सा हम लोग बैक में चलते हैं एक बार, ठीक है, थोड़ा सा इसका चार्ट में ड्रॉप कर दे रहा हूँ। अब अगर हम ये यहाँ पर देखेंगे तो दिस इज द 52 वीक हाई ऑफ जील। यहाँ पे जील ने 52 वीक हाई यहाँ पे लगाया हुआ था, ठीक है, उसके बाद आप अगर देखोगे सो ये आपका ड्रॉप हुआ और इसने यहाँ पे रिस्पेक्ट किया और यहाँ से प्राइस ऊपर चला गया। बट नेक्स्ट टाइम नॉट रिस्पेक्टिंग बिकॉज आपका ये 52 वीक हाई से ड्रॉप नहीं हुआ है। ठीक है, सेम स्टॉक्स मैंने ITC लिया हुआ था, सेम स्टॉक ITC लिया हुआ था, ITC भी आप देख सकते हो, ये आपका 272-273 के लेवल के पास ये इसका 52 वीक हाई था, उसके बाद ड्रॉप हुआ और रिस्पेक्ट लेके प्राइस अभी बाउंस हुआ, रिस्पेक्ट लेके प्राइस बाउंस हुआ और इवन आपका 52 वीक हाई ब्रेक करके प्राइस आपका ऊपर जा रहा है। बाकी स्टॉक देख लीजिएगा, जैसे कि मैंने तीसरा स्टॉक NTPC लिया हुआ था, आप NTPC को भी देख सकते हो, ये इसका 52 वीक हाई है, 52 वीक हाई है, वहाँ से ड्रॉप हुआ, रिस्पेक्ट करके प्राइस आपका ऊपर जा रहा है। मतलब यहाँ पर ये नहीं कि 100% 50 SMA या मैं यहाँ पर 50 SMA की स्टडी आपको बता रहा हूँ, नहीं, 50 SMA की स्टडी नहीं है, बट मैं जस्ट एक एग्जांपल लेके आपको दिखा रहा हूँ कि हाँ कौन से स्टॉक में स्टडी बहुत ज़्यादा चलती है, उसकी प्रॉबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, समझ गए? सो ये रीज़न है कि आप इस हिसाब से अगर आप जो भी सेटअप यूज़ करते हैं वो आप उन स्टॉक्स में यूज़ करोगे जो 52 वीक के आसपास से ड्रॉप हो रहे हैं, उनमें चलने की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्लियर? और 50 SMA ये तो जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया, आपके पास जो भी स्टडी है, आप गैप यूज़ करते हो आप गैप यूज़ करिएगा, आप सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का यूज़ करते हो वो आप यूज़ करिएगा, ठीक है, या आपको जो भी सेटअप है आप उन सेटअप को आप यूज़ करिएगा और आप देखेंगे वाकई में कि आपकी जो भी अभी आपका रेशियो है, गन रेशियो जो भी आपका अभी चल रहा है, उस अगर आप उसको 1 or 2 month देखेंगे देन आपको खुद रियलाइज होगा कि हाँ वाकई में मेरी प्रॉफिट होने के चांसेस यहाँ पे बढ़ रहे हैं और जो जिस भी स्टॉक्स में मैं ट्रेड ले रहा हूँ उस स्टॉक में मुझे प्रॉफिट का रेशियो ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, अब इसको स्कैन कैसे करना, जस्ट अ सिंपल प्रोसेस, ठीक है, सिंपल प्रोसेस है, आपको देखना क्या है, गूगल पर टाइप करना है 52 वीक हाई स्टॉक्स, ठीक है, बहुत सारे स्टॉक आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, ठीक है, ये सारे स्टॉक हैं, ठीक है, इनमें से मैं कोई स्टॉक ले रहा हूँ, जैसे कि रोलेक्स रिंग्स, ठीक है, रोलेक्स रिंग्स मैं यहाँ पर ले रहा हूँ बिकॉज बहुत ये सारे स्टॉक्स का नाम मैंने नहीं सुना है, इसका नाम सुना हुआ है, ठीक है, सो मैं रोलेक्स रिंग्स अब आप देख लेते हैं, हम लोग रोलेक्स रिंग को देख लेते हैं। सो रोलेक्स रिंग्स में क्या है, ये 52 वीक हाई से ड्रॉप हो रहा है, अब मुझे बाय कहाँ करना है, अब आपका यहाँ पर आपको कहाँ पर बाय करना है, आपके सेटअप्स क्या है, जहाँ पर भी आपके सेटअप्स आपको बोलते हैं बाय करने के लिए आप यहाँ पर बाय करेंगे आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे क्या है, मैं अगर बाय करना चाहूँगा तो यहाँ पर क्या है, ये ब्रेकआउट हुआ है, जो रेजिस्टेंस है ब्रेक हुआ है, तो मैं भी प्राइस इसी के आसपास आकर यहाँ से बाउंस वापस से देगा। ठीक है, तो आप इस स्टॉक को रख सकते हो, अभी रिसेंट में हाई लगा है M&M महिंद्रा एंड महिंद्रा ने, ठीक है, आप इस स्टॉक को फोकस कर सकते हो अगर ड्रॉप आता है तो। ठीक है, अब कहाँ बाय करना, ये आपको फाइंड आउट करना है कि आपके लेवल के हिसाब से आप जो भी सेटअप यूज़ करते हो वो आपके हिसाब से कहाँ पर फिट बैठ रहा है। जैसे मैं आगे देखूंगा तो ये रेजिस्टेंस यहाँ पर ब्रेक हुआ है, यहाँ पर ब्रेक हुआ है, तो मे बी यहाँ इसके आसपास आके प्राइस बाउंस होना चाहिए। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ, एक स्टॉक था वेलकॉप, जिसको मैंने टेलीग्राम पर भी पोस्ट किया हुआ था, अगर मेरे टेलीग्राम चैनल्स पर ज्वाइन है तो आप वहाँ पर जाके देखिएगा। ठीक है, सो आप देखिएगा यहाँ पर ये ड्रॉप आया, ये 52 वीक हाई आया। ठीक है, अब जैसे कि मुझे फाइंड आउट करना है मुझे कहाँ पर बाय करना है। ठीक है, सो अगर यहाँ पर आप देखोगे, आप हॉरिजॉन्टल लाइन डालोगे देन ये ब्रेकआउट पॉइंट्स आ रहे हैं। ठीक है, यहीं से प्राइस रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर जा रहा है। ठीक है, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है तो मे भी ये सपोर्ट्स हैं आपके, यहाँ पर प्राइस वापस यहाँ पे आएगा तो यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। सो अगर मैं यहाँ पर देखूँगा सो प्राइस
इसके नज़दीक आकर वहाँ से बाउंस आया, ठीक है। और स्टॉक में आपको दिखाता हूँ रेणुका, रेणुका आपका 52 वीक हाई के आसपास गया, यहाँ पे आप देखेंगे 60 का हाई लगाया, उसके बाद ड्रॉप आना स्टार्ट हो गया। आपको बाय करना है तो जस्ट सिंपल सा रिट्रेसमेंट आप यहाँ पर डाल दीजिएगा, ये गैप एरिया है, आप गैप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। सिंपल सा गैप, गैप आया, गैप फिल हुआ, उसके बाद प्राइस आपका यहाँ से ऊपर चला गया, ओके। सो दिस इज़ अ सिंपल अप्रोच, आपको सिर्फ स्कैन करना है, गूगल पर जाके टाइप करना है, जो स्टॉक आपके लिस्ट में आते हैं उन स्टॉक्स को आपको फोकस करना है, जब भी रिट्रेसमेंट आपको मिलता है आप वहाँ पर बाय कर सकते हो। ये सिंपल सा फंड है, मैंने आपको बाइंग के लिए बताया है, आप सेलिंग का भी जस्ट अपोजिट कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई स्टॉक 52 वीक लो पे आ गया है, ठीक है, आपको उसको सेलिंग के बारे में देखना चाहिए, ठीक है। जब भी वो किसी रेजिस्टेंस से पहुंचता है प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है वहाँ से प्राइस के ड्रॉप आने के लिए, क्लियर। सो आई होप ये वीडियो आपके में कुछ आपके ट्रेडिंग जर्नी या ट्रेडिंग में आपका कुछ वैल्यू क्रिएट किया होगा, ठीक है। आई होप आप इसको अप्लाई करिएगा और आप देखेंगे आपके रियली में आपको ट्रेडिंग में आपको बहुत हेल्प होने वाला है, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज़ आप इसको लाइक करिएगा, और आपके फ्रेंड्स जो भी अगर ट्रेडिंग करते हैं उनको भी ये सेटअप्स के बारे में नहीं पता है, ऐसा कुछ नहीं पता, तो आप उनके साथ इसको शेयर कर सकते हैं। चैनल्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या करना चाह रहे हैं, डीमैट अकाउंट आपके पास नहीं है, देन हमारे साथ आप डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकते हो, नंबर मैंने दिया हुआ है या लिंक्स वहाँ पर दी हुई हैं, आप लिंक्स पर क्लिक करके हमारा डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, इंस्टेंट ओपन होता है, ठीक है। ओके, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।